সামনেই বিয়ে, বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। বিয়েতে কি পড়বেন তা এখনও ঠিক করতে পারেননি। চিন্তা নেই, আপনাদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে জৈন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন অথবা জিতো। গতকাল দি ব্রাইডাল স্টোরি নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল জিতোর মহিলা বিভাগ, যার উদ্দেশ্য ছিল নবদম্পতিদের একটি সুখের সফরে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যতে সমস্ত নবদম্পতি এবং তাদের পরিবারের এক নম্বর পছন্দ হওয়াটাই লক্ষ্য জিতোর। গতকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ওয়েডিং প্ল্যানাররা এবং মেকআপ আর্টিস্টরা। মূল্যবান রত্ন, গয়না, ওয়েডিং প্ল্যানার, মেকআপ আর্টিস্ট, ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, ওয়েডিং কার্ড ডিজাইনার, ক্যাটারার এবং ফটোগ্রাফারের আয়োজন করবে জিতো। গতকালের অনুষ্ঠানে এমনটাই জানানো হয় জিতোর তরফে। এইসবের পাশাপাশি মহিলাদের আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা করছে তারা। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে মহিলাদের ক্রিকেট লীগের আয়োজন করেছে জিতোর মহিলা বিভাগ। জিতো লেডিজ উইং ন্যাশনাল মে 80 চ্যাপ্টার্স আর ওয়ার্কিং। 80 চ্যাপ্টার্স হ্যাঁ আমার JIW কে, জিতো লেডিজ উইং কে, জিসমে কলকাতা এক চ্যাপ্টার হ্যাঁ জো কি শাইনিং স্টার কি তরহ ব্রাইট শাইন কর রহা হ্যায় ন্যাশনালি। कलकत्ता के सारे इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ के मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव है और सारे यूथ और मेन विंग, चाहे जेंट्स हो चाहे यूथ हो और चाहे लेडीज़ विंग, ऑलरेडी एम्पावर्ड है और वो एम्पावर करने की कोशिश कर रही है दूसरे लेडीज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे 18,000 नेशनली मेंबर्स है और 800 कोलकाता में मेंबर्स है जो कि सारे प्रोजेक्ट्स 50 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। लाइन वाइज अगर आपको बताएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि JBN है, JPF है, अगर हम सेवा सुरक्षा इकोनॉमिक फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट, चाहे कलनरी हो चाहे आपके एग्जीबिशन जो हम लगाते हैं B2B B2C, उड़ान एक स्मॉल स्केल एग्जीबिशन भी हम लोग लगाते हैं जो कि हमारा 7 एग्जीबिशन हम लोगों ने कलकत्ता में 7-8 एग्जीबिशन ऑलरेडी अभी लास्ट 11 साल में लगा चुके हैं। ब्राइडल स्टोरी एक बड़ा इवेंट है तो ये कलकत्ता ने फर्स्ट टाइम हेल्ड किया है कि इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है टीम की और सारे जियो टीम मेंबर्स है वॉलेंटरी वर्क करते हैं इस काम के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का खूबी है कि सारे मेंबर्स वॉलेंटरी वर्क करते हैं, वी आर नॉट पेड वॉलेंटियर, सो गुड थिंग। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग काम करते हैं, तो बिना प्रॉफिट के हम प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं कि हाँ बड़े बड़े आपके एग्जीबिटर्स आए हैं मगर उनके साथ जो हमारे नए मेंबर्स ग्रो करना चाहते हैं उनका भी स्टॉल्स इधर है, तो क्या एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ वो ग्रो कर सकते हैं अपना। जीतो बोल के हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेवा के काम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में वर्क कर रहा है, उसी के अंदर में जीतो लेडीज़ विंग है जिसका ये इनिशिएटिव है ब्राइडल स्टोरी। ब्राइडल स्टोरी ये हमारा जिसमें सारे प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, जो हाई एंड ब्रांड है वो भी आ सकते हैं, प्लस अपकमिंग जो ओनर है उनको भी हम खिलने का मौका देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि वो आए और अपना प्रोडक्ट्स को बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ में शोकेस करके वो भी एक हाई एंड। किस तरह के प्रोडक्ट रहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं इसमें, ज्वेलरी से लेके अपेरल से लेके कपड़े हो आपके, जो भी सामान जो कि एक ब्राइडल ब्राइडल फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, चाहे फोटोग्राफी हो चाहे आपके गिफ्टिंग पार्टनर हो, तो जो भी ब्राइडल से रिलेटेड रहते हैं वो सारे ब्राइडल स्टोर में आते हैं। कौन कौन हिस्सा लेते हैं यहाँ पे? पार्टिसिपेंट ओपन फॉर ऑल रहता है, तो जो हमें कांटेक्ट करते हैं जब हम आप प्रमोशन करते हैं, जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम पार्टिसिपेट। आज कितने स्टॉल लगे हैं? आज 85 स्टॉल्स लगे हैं और 85 स्टॉल्स अक्रॉस इंडिया। ये हमारा 7th-8th ब्राइडल स्टोरी चल रहा है, फर्स्ट टाइम कलकत्ता में हम लोग हेल्ड कर रहे हैं। आगे की क्या आपके कार्यसूची, क्या करने वाले हैं? कलकत्ता में अभी तक का जो रिस्पांस है कि एग्जीबिटर्स आर हैप्पी, तो इन फ्यूचर भी शायद ब्राइडल स्टोरी कलकत्ता में ज़रूर होना चाहिए।